नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बनाते हैं हरी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल। रात में मैंने इसको भिगो दिया था, 100 ग्राम के करीब है ये दाल। तो अब हम इसमें डाल देते हैं, मैंने कुकर में डाल दिए हैं धोकर अच्छे तरीके से दाल को। मैं इसमें डाल दूँगी 3 गिलास पानी, मीडियम ग्लास है ये। और इसमें डाल देंगे हम टमाटर जो हमने काटे नहीं हैं, और अब डाल देंगे इसके अंदर। आप चाहें तो काट भी सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज ले लिया था, वो डाल दिया है। लहसुन की कलियां डाल दी हैं, 5 से 6 कलियां। और स्वाद अनुसार डाल देंगे इसके अंदर नमक, और थोड़ी सी इसमें डाल देंगे हम हल्दी, और थोड़ा सा ही डाल देंगे हम सरसों का तेल। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने हरी मिर्च इसमें नहीं डाली है क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, तो उन्हें भी खाना होता है ये। तो इसमें मैं 5 सीटी लगा दूँगी। तो ये रेडी है, आप देख सकते हो। ये जो टमाटर है इसको साइड में करके मैं मैश कर दूँगी अच्छे से। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये अच्छे से मैश होने के बाद हम तड़के की तैयारी भी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने एक प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का, जिसे बारीक काट लिया था, और हरी मिर्च ले लिया है मैंने। मैंने यहाँ पे दाल निकाल ली थी बच्चे के लिए थोड़ी सी अलग, और हरी मिर्च ले लिया है इसमें, और ले लिया है मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है, और थोड़ा सा ले लिया था मैंने 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर। दाल ऐड कर दिया है, आप देख सकते हो कि कितनी